दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारे पास क्लिक ऑन का इमरजेंसी लाइट आया हुआ है जो 6 वोल्ट वाली है। और आपको बता दूँ कि जितनी भी इमरजेंसी लाइट होती है उसमें 6 वोल्ट ही लगी होती है बैटरी, जो आपको एम्पियर अलग अलग देखने को मिलेगी लेकिन वोल्ट आपको सेम मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लिक ऑन ये फॉरनर कंपनी है, यानी कि विदेश की लाइट है, आपको इंडिया में ये कंपनी नहीं मिलेगी, लेकिन इंडिया में इसकी लाइट मिलेगी क्योंकि अधिकतर इंडिया से बाहर लोग जाते हैं तो जॉब करने, तो वहाँ से वो लोग लाते हैं। तो ये क्लिक ऑन की है, मैं आपको बता दूँ इसमें सोडियम लाइट यूज़ की गई है पहले की अपेक्षा। पहले क्या होता था, ट्यूब आती थी ट्यूब लाइट, तो उसकी बैकअप कम होती थी, तो ट्यूब की जगह उसने क्या किया, LED लगाया था, LED ट्यूब से अच्छा चला। तो उसके बाद ट्यूब को हटाकर ये SMD लाइट लगाया गया तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इससे क्या है कि 4 घंटे के बजाय हमारा 8 घंटा चलता है। और ये मैं बता दूँ, ये दोनों साइड जो देख रहे हैं ये लाइट जो जल रही है ये एक तरह से टॉर्च का काम करती है, प्रॉब्लम ये दोनों साइड जलती है। मैं बताया इस लाइट वाले ने, और ऊपर कर देने से हमारा ये हम इसे जब चार्ज लगाते हैं तो ये लाइट ऑन होती है, पर ये हमारा लाइट बैकअप नहीं दे पाता। तो हमने इसे बताया कि देखिए, अगर आप प्रॉपरली इसे चार्ज करते हो 220 वोल्ट पे और 2 घंटा 4 घंटे यानी 6 घंटे अगर चार्ज करते हो, तो आपको इसका कम से कम आधा घंटा से अगर प्लस दे रहा हो तो समझिए कि आपका बैटरी है, जान बचा हुआ कुछ है लेकिन पूरी मुकम्मल तरीक़ा से नहीं, क्योंकि 6 घंटा चार्ज करने पर अगर आपको आधा घंटा बैकअप देता है तो बैटरी ख़राब है, 1 घंटा भी अगर देता है तो समझिए कि बैटरी गड़बड़ है, यानी कि बैटरी हमारा लास्ट स्टेज पे पहुँचेगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, 2 मिनट के अंदर में ये क्या होता है, ये हमारा लाइट ऑफ हो जाता है, पूरी तरीक़ा से हमारा बंद हो जाता है, लाइट नहीं देता है। तो हमने क्या कहा, तो बताया कि इसमें बैटरी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम इसे जांचने के लिए हम इसे ओपन करेंगे इसके बॉडी को और देखेंगे, हो सकता है कि हमारा SMPS पावर जो है ये 6 वोल्ट की बैटरी को हमारा 8 वोल्ट सप्लाई नहीं करता होगा, जिसके कारण बैटरी ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम आपको 8 वोल्ट चाहिए, क्योंकि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है, अगर 6 वोल्ट दीजिएगा तो आप तो क्या वो एम्पियर भी कम हो जाएगा और उसका पावर भी कम हो जाएगा, जिसके कारण वो चार्ज नहीं हो पाएगा। तो 6 वोल्ट की बैटरी के लिए हमें कम से कम 8 वोल्ट चाहिए। तो चलिए हम इसे देखते हैं और समझते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी बैटरी प्रॉब्लम है या SMPS में। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सारे स्क्रू को खोलने के बाद हमें ये देखिए, हमने इसके कवर को निकाल दिया और आपको दिखा देता हूँ कि वो जो क्लिप हटी है वो हमारा LED की क्लिप है, हाँ ये जो दोनों साइड जो जल रहा था, और देख सकते हैं ये क्लिकॉन की बैटरी लगी हुई है और ये आपको 6 वोल्ट की है। तो देखिए हमारा लाइट कितना प्रॉपरली फ्लस दे रहा, पर ये हमारा बैकअप नहीं दे पाता, जिसके कारण क्या है कि इसकी बैटरी डेड है। तो चलिए हम इसे चेक करेंगे कि हमारे SMPS पावर में प्रॉपर्ली हमारा करंट आ रहा है या नहीं, क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम हमारा SMPS से भी हो सकता है, क्योंकि SMPS जब हमारा इनपुट अच्छा नहीं देगा तो हमारी बैटरी कहाँ से चार्ज होगी, अगर चार्ज नहीं होगी तो हमारा बैकअप नहीं होगा। तो चलिए हम पहले इसके पावर को हम चेक करेंगे ताकि हम इसका सही से निष्कर्ष निकाल सकें कि ये हमारा बैटरी ख़राब है या हमारा SMPS में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने अपना मल्टीमीटर भी निकाल लिया है और हम इसकी वोल्ट को नापेंगे, देखेंगे हमें आउटपुट SMPS से कितना मिल रहा है। अगर हमें अच्छा खासा आउटपुट मिल रहा होगा तो हम इसे
कह सकते हैं कि बैटरी ख़राब है, कह नहीं सकते, यानी कि पक्का है कि हमारा बैटरी ख़राब है। अगर आउटपुट अगर कम रहा तब हम कहेंगे कि हमारा SMPS गड़बड़ है और बैटरी सही है। तो देखिए मैंने इसे इसके प्रॉड को मैंने पॉजिटिव में लगाया और नेगेटिव में सटा कर देख रहा हूँ और मैंने लाइन में लगा दिया। और मैं आपको इसकी वोल्ट नाप के दिखा दूँ, ये देखिए मैंने इसे प्लग इन किया तो देखिए आपको वोल्ट दिख रहा होगा, अच्छा खासा वोल्ट दिख रहा होगा। ये हमें 8.8 वोल्ट दे रहा है, इसका मतलब है ये हमारा 100% बैटरी गड़बड़ है, ये बैटरी डेड हो चुकी है और ये हमारा स्टोर करने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि हमारा SMPS अच्छा खासा वोल्ट भी दे रहा और एम्पियर भी। इसलिए मैंने इसे चेक किया, मैंने आपको भी दिखा दिया, ये रहा हमारा मल्टीमीटर। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ, आप बैटरी की पावर देख लीजिए, क्या कहने, इतना से क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसके बैटरी को रिप्लेस, अगर ये हमारा कस्टमर रिप्लेस करना चाहे तो हम इसे रिप्लेस करके इसे फिर से हम पहले जैसा बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या चेक करना है। पहले हमें चेक करना है SMPS, ताकि हम इसकी वोल्ट देख सकें कितनी वोल्ट है। तो SMPS में हमारा 8 वोल्ट दे रहा है और दूसरा रहा बैटरी, तो बैटरी भी हमने चेक कर लिया, बैटरी पूरी तरीक़े से ये जो है ना वो स्टोर करने के काबिल नहीं रहा और हमारा बैटरी डेड हो गया। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि ये काफ़ी दिन रख छोड़ देने से ये हमारा बैटरी जो है ना स्टोर करने के काबिल नहीं रहता। ये देखिए मैंने ऑन किया तो कितना फ्लश दे रहा, लेकिन कुछ देर बाद ये देखिएगा ये डाउन हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। और इसका यही कारण है कि बैटरी ये हमारा पूरा काम नहीं कर रहा, यानी कि ये स्टोर नहीं कर पा रहा, क्योंकि चार्जिंग भी इसकी। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमें अगर किसी लाइट की अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि बैकअप नहीं दे रहा है और हमारा बहुत जल्दी डाउन हो जा रहा है, लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है। तो हमें समझना होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि वो बैटरी डेड हो सकता है, और सेकंड प्रायोरिटी ये है कि हमारा SMPS उसे प्रॉपरली वोल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि SMPS प्रॉपरली वोल्ट देगा तो हमारा बैटरी चार्ज होगा। तो इसमें तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए, हम फिर इससे संबंधित कोई नई वीडियो लाएंगे।